आपके जीवन में बुध और शुक्र अगर दोनों नाराज चल रहे हैं, आपके अनुकूल नहीं हैं, तो आपको मूंग दाल का उपयोग करना सीखना होगा या उसका प्रयोग करना सीखना होगा। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार बाबा अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्रहों की पंचायत में। कहते हैं बुध और शुक्र अगर कमजोर हों या यूं कहें कि आपकी बात न मानते हों, आपकी कुंडली में सही जगह पर न हों, तो आपको ढेर सारी तकलीफें हो सकती हैं। मेष से मीन तक सभी जातकों के लिए यह ग्रह उचित जगह पर और उचित समय पर होने चाहिए। हम मास की राशि से शुरुआत करते हैं, मेष राशि से। आपके जो पूर्वजों से संपत्ति मिली है उसको लेने में तकलीफ होगी। साथ में कहते हैं कि आपकी आर्थिक तो प्रगति होगी लेकिन उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। आपको मूंग दाल जो है या साबुत मूंग है उसका उपयोग करना सीखना होगा। करें क्या, सीधे तौर पर मूंग का उपयोग आपको हनुमान जी या शनि जी ये दोनों से करना है। मंदिर पर जाके कम से कम 1.25 किलो मूंग या मूंग दाल चढ़ाना है और गरीबों को उसे दान दे देना है। वृषभ राशि की बात करें तो अपनी पार्टनरशिप में आप कहीं लापरवाही मत करिए, थोड़ी सावधानी रखिएगा क्योंकि गड़बड़ी उसी में होने की संभावना है। कहते हैं कि आपके जो कामकाज है जमीन रिलेटेड उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन साथ में विश्वासघात का योग है, संभालिएगा। आपके लिए भी बुध परिपक्व होगा आपका, तो आपको सभी चीज़ों में राहत मिलेगी। सीधी तौर पर आपको करना क्या है, आपको करना है कि उस जो मूंग है उसको घर के अंदर एक मुट्ठी मूंग जहाँ आपकी रसोई है, लिविंग रूम है, या यूँ कहते हैं कि जहाँ पर आपकी तिजोरी है उसे लेकर घुमाना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है और उसे पानी में प्रवाहित कर देना है, आपको उसका लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी संकट का समय चल रहा है। कोर्ट कचहरी के कामकाज में आर्थिक जो खर्च है वो बढ़ने की संभावना है। आपको उपाय मूंग को लेकर करना है, मूंग को लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी माता के यहाँ उसको चढ़ाना है और रोज़ सुबह भूखे पेट थोड़ा सा आपको खाना है, कम से कम 11 दिन आपको ये करना होगा, इससे आपको लाभ होगा। बुध जो आपका है वो मजबूत होगा। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो संतान के कामकाज में प्रगति दिखाई दे रही है, आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना है, लेकिन आपकी भागीदारी यानी आप अगर कहीं जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो उससे आपको बचना होगा, या फिलहाल के लिए कम से कम 1.5 महीने आप उसको टाल दीजिए क्योंकि अभी योग नहीं बन रहा है। अगर आप करते भी हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी, आपको नुकसान हो सकता है। आपको मूंग का प्रयोग जो है वो महादेव के मंदिर में करना है, वहाँ जाके कम से कम 1.25 किलो जो मूंग है वो आपको चढ़ा देना है। महादेव के मंदिर में अगर नहीं जा सकते तो शीतला माता के मंदिर में आप जाके इसे चढ़ा सकते हैं, शांति मिलेगी और साथ में आपका जो तेज है वो बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। सिंह राशि की बात करें तो आपकी शारीरिक सुखाकारी है वो तो अच्छी होगी, लेकिन भागीदारी जो है पेढ़ी उसमें आपको संभालना पड़ेगा। आपकी मान प्रतिष्ठा होगी लेकिन आपके व्यवसाय में आपको धोखा मिलने की संभावना है, इस संदर्भ में आपको बुध और शुक्र दोनों को मजबूत करना होगा। उसके लिए आपको चंडिका माता के यहाँ मूंग का प्रयोग करना होगा, वहाँ मिट्टी के पात्र मुख से चढ़ाने के बाद किसी भी कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे उसे आपको रखाना होगा या दान कर देना होगा।
ये चीजें आपको करते समय याद रखना होगा कि हाथ में किसी भी प्रकार का पत्थर, नंग या अंगूठी न हो, क्योंकि उसके कारण उसका जो प्रभाव है ग्रहों का वो घटने की संभावना रहती है। इसे इसका ध्यान रखिएगा, फायदा अवश्य होगा। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मंदुक के प्रसंग आ सकते हैं। कौटुंबिक शुभ कार्य तो होंगे, लेकिन साथ में जो आपका व्यवसायिक है उसमें धन की राशि जो आनी चाहिए, जो रिकवरी आनी चाहिए, उसमें कहीं रुकावट है। आपको उसके लिए शनिदेव की पूजा करनी होगी। शनिदेव के यहाँ जाके कम से कम 1.25 किलो मूंग को चढ़ाना होगा। चढ़ाने के बाद उसे आसपास बैठे गुच्छुक या जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें आप दे दीजिए, फायदा अवश्य होगा। अब बात करें तुला राशि की तो सीधी तौर पर आवक जो है वो उसमें नुकसान का योग है। कौटुंबिक कार्य तो होंगे, लेकिन जो आपकी रिकवरी है या यूं कहें कि जो आपको आवक होने वाली है या यूं कहें कि जो आपको धन लाभ होने वाला है, उसमें आप जो भी आयोजन कर रहे हैं वो गड़बड़ा सकता है, क्योंकि इच्छित आवक जो है वो नहीं आ पाएगा। आपको उसके लिए लक्ष्मी माता की शरण में जाना होगा। रोज शाम को एक मुट्ठी, केवल मुट्ठी याद रखिएगा, मुट्ठी के अंदर मूंग रखकर माता लक्ष्मी ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 मंत्र जाप करना है, और इसके बाद सीधे बाहर निकलकर ये काम गौधूली यानी कि 6 और 7 के बीच में होना चाहिए, जाके किसी भी पेड़ के नीचे उसे डाल देना है, अवश्य होगा लाभ, करके देखिएगा। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की तो इसमें आपके भाई यानी कि जो सहोदर हैं उनसे आपको सहयोग मिलने की संभावना है। मुसाफरी यानी प्रवास का आपका आयोजन है। भगवान गजानन कहते हैं कि संतान के जो अभी तक अटके हुए काम हैं, उनके नौकरी की, उनकी पढ़ाई के लिए, ऐसी कुछ भी लोन वगैरह के लिए, तो वो काम होता नज़र आ रहा है। लेकिन और अच्छी प्रगति हो उसके लिए आपको विष्णु भगवान के शरण में जाना होगा और मूंग का प्रयोग करना होगा। किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर या घर में आप विष्णु भगवान का मंदिर है या तस्वीर है या मूर्ति है, उसके सामने मिट्टी के पात्र के अंदर मूंग रख लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सिंदूर डाल दीजिए, विष्णु सहस्त्र का जाप करिए और उसको ले जाकर दूसरे दिन सुबह, कहते हैं क्योंकि शाम को आपको ये पूजा करनी है, दूसरे दिन सुबह बहते पानी में उसे प्रवाहित कर देना है। अगर आपके यहाँ से नदी दूर हो, नाला दूर हो, तो किसी छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें उसे डाल के बंद कर देना है, लाभ अवश्य होगा। धन राशि की बात करें तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कौटुंबिक कामकाज जो है वो आपका अच्छा चलेगा, लेकिन आपके सहोदरों के बीच, आपके भाइयों के बीच, आप छोटे बड़े भाइयों के बीच विचारों का संघर्ष होगा, मतभेद होगा। उसके लिए आपको बुध को मजबूत करना होगा और मूंग का प्रयोग आपको करना होगा। सूर्य देवता का अगर मंदिर हो आपके आसपास या घर में, सूर्य देवता का आप आवाहन कर सकें सुबह उठते ही, जब सूर्य उदय होता है तब उसका आप जल में डाल के मूंग, कम से कम एक मुट्ठी वो डाल के आप, और थोड़ा सा उसमें कंकोर अबीर गुलाल और थोड़ा चावल डाल के आप सूर्य देवता को उसका अर्घ दे सकते हैं। कम से कम 11 दिन आपको ये करना है और सूर्याय नमः का जाप करना है, देखिए भाग्य आपका चमकने लगेगा। मकर राशि की बात करें तो कौटुंबिक धन योग का जो लाभ है, आपके कारण जो शत्रु हैं वो उनकी मुसीबत में बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए कहते हैं कि मन दुख का प्रसंग होगा। स्वाभाविक है ये चीज़ों को मैनेज करने के लिए लक्ष्मी नारायण देव जो हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कम से कम 1.25 किलो जो मूंग है उसको लेकर लाल कपड़े में उसे डालना है, और जो मंदिर है
लक्ष्मीनारायण देव का, वहां जाके आपको पूजा करनी है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र का जाप और साथ में लक्ष्मी जी का स्मरण करके शाम के समय यानी भोजन से पहले आप ये घर में दिया जलाकर ये कर सकते हैं। इसके बाद सुबह उस पूरे पोटले को जिसके अंदर आपने 1.25 किलो मूंग और लाल कपड़े में उसे बांधा हुआ है, उसे ले जाकर इसे बहते पानी में आप प्रवाहित करिए या चौराहे पर ले जाकर उसे रख सकते हैं। याद रखिएगा आपको ये रात को करना है और सुबह जो है वो प्रवाहित करने का काम करना है। उस समय जब भी आप ये प्रयोग करें तब घर में शांति होनी चाहिए। और दूसरा, उस दिन मांस मदिरा का निष्पंदन यानी कि उसे दूर रहा जाए तो बेहतर है, घर में अंडा तक न बने ये ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर हम बात करें कुंभ राशि की तो आप जो भी प्रयत्न अभी कर रहे हैं उसमें विलंब हो रहा है, लेकिन अब सफलता के नज़दीक आप धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन भगवान गजानन कहते हैं कि आपका कोई भी अंगत व्यक्ति जो खूब नज़दीक है, जिस पर आप आँख बंद कर कर विश्वास करते हैं, वो आपके साथ बड़ा विश्वासघात कर सकता है। उससे आपको बचाना होगा और उससे अपने परिवार को भी बचाना होगा और खुद भी बचना होगा। उसके लिए आपको सीधे तौर पर हनुमान जी के शरण में जाना होगा, मूंग का प्रयोग करना होगा। करीब 750 ग्राम मूंग ले जाकर आप हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वो राई जो है, राई का तेल जो है वो भी साथ में बोतल रख सकते हैं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने के बाद उसे ले जाकर किसी ज़रूरतमंद को आप दे दें। सीधे तौर पर आपको फ़ायदा होगा, जो विश्वासघात है वो आपका रुक सकता है या विश्वासघात में आपको नुकसान कम होगा। मीन राशि की बात करें तो सभी तरह से योग्य राशि फल जो है वो इस बार बन रहा है, ग्रह भी इनको सपोर्ट करेंगे। खर्च में बढ़ोतरी होगी लेकिन जो आपके संतान हैं उसके कार्यों में थोड़ा रुकावट आ सकता है। आपको उसके लिए सूर्य का जो है वो आराधना करना होगा। साथ में माता लक्ष्मी हैं, माता लक्ष्मी नारायण देव या विष्णु भगवान हैं, उनकी पूजा आपको करनी होगी। सिंपल सा उपाय है, मूंग का मूंग ले जाकर यानी यूं कहें कि किसी से मांग कर, आप घर में नहीं, किसी से मांग कर कम से कम 250 ग्राम मूंग वो लेकर आइए, भगवान की पूजा करिए। पूजा करने के बाद उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, भिक्षुकों को दे सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भिक्षुक न हो तो आप इसे भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना होगा, ये पूरा जो कार्य है वो दोपहर में 2 बजे से लेके 4 बजे तक करना होगा, जब सूर्य अपने पूरे प्रताप में रहता है। बिल्कुल, ये थी आज की राशियां और राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव, साथ में मूंग का प्रयोग आप किस तरह से करें जिससे आपको लाभ हो। ये जो भी नुस्खे या जो भी प्रयोग हम आपको बता रहे हैं वो आजमाए हुए हैं, लोगों ने इससे लाभ भी लिया हुआ है, इसलिए आप भी इसको जीवन में अपनाएं। साथ में आपके पास कोई समस्या है, घरेलू समस्या है, नौकरी पेशा है उसमें तकलीफ है, व्यवसाय में कहीं दिक्कत आ रही है, कोई भी सवाल हो जीवन से जुड़े हुए, जो जन्म कुंडली और ग्रहों से इफेक्टेड हैं आप, तो सीधे तौर पर हमें अपनी जन्म कुंडली आप भेज सकते हैं, साथ में अपने सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट ज्योतिष जो हैं वो आपको जवाब देंगे। और छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे प्रयोग आप करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ज़रूर से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं। अगर आप हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। अगर आप हमारे फेसबुक के दर्शक हैं तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैसे छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में कारगर सिद्ध होते हैं। अगर आपको कोई विशिष्ट जानकारी चाहिए और भी कोई मुद्रा के अनुसार या और भी किसी
वस्तु के अनुसार प्रयोग के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। आपू अहमदाबाद हरियाणा अहमदाबाद गाम आखू भेगू थई ने नक्की करे कि आजादी ना 75 वर्ष छे आपणे एक जगह गाम मां शोधी काढ़िए अने त्यां 75 झाड़ वावीए। वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन नुकसान थी बचवा तेमज पर्यावरण जतन माटे गाम दीठ 75 वडना वृक्षों वावी गामे गामे वडवन बनावानु आह्वान करवामां आव्युं हतुं। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल द्वारा 21 मार्च ना रोज गांधीनगर थी वडवन बनावानो शुभारंभ करेल तथा विकास पथना मार्गदर्शक गांधीनगर लोकसभाना प्रजावत्सल सांसद केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाहजीना मार्गदर्शन हेठळ हरियाणी लोकसभा गांधीनगर लोकसभा अंतर्गत तारीख 14 एप्रिल 2022 ना रोज अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लॉट डिवाइन रोड साइंस सिटी सोला खाते आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने प्रिय 75 वड वृक्षनु रोपण करी वडवन बनावानो शुभारंभ माननीय मेयर श्री किरीट भाई परमारना वरद हस्ते करवामां आव्यो, जेमां डेप्यूटी मेयर श्री गीताबेन पटेल, स्टेन्डिंग कमिटी चेरमेन श्री हितेश भाई बारोट, शासक पक्षना नेता श्री भास्कर भाई भट्ट, दंडक श्री अरुण सिंह राजपूत, कमिटीना चेरमेन श्री अने डेप्यूटी चेरमेन श्री, स्थानिक म्युनिसिपल काउंसिलर श्रीओ तथा म्युनिसिपल कमिश्नर श्री लोचन सहराजी संगठनना होदेदारोए वड रोपी प्रकृति जतनना कार्यमां सहभागी बन्या। हरियाणीमां वृद्धि प्रकृतिनुं जतन करतुं अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।